गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे फॉर्म पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत पेपर का नाम है। इसके अंदर अपना टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर से तात्पर्य किसी संस्था के प्रबंधकीय पदों के स्तरों या परतों से है, यानी जो प्रबंधकीय क्रियाएं की जाती है वो किन किन स्तर पे अलग अलग रूप में निर्धारित होती है, उनके आधार पर प्रबंध के स्तर बनाए गए हैं। प्रबंध के स्तर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में अपने अपने विचारों से व्यक्त किए हैं, लेकिन निष्कर्ष के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि प्रबंध के स्तरों से तात्पर्य उन प्रबंधकीय पदों के वर्गों या परतों से है जिन्हें उनमें निहित अधिकारियों की मात्रा तथा संगठनात्मक पदानुक्रम के अनुरूप पृथक पृथक वर्गीकृत कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति का प्रबंधकीय स्तर संस्था में उसके अधिकारों की मात्रा एवं स्थिति को स्पष्ट कर देता है। जो व्यक्ति जिस पद पर है उसी आधार पर उसके अधिकार कितने होंगे, उसकी पोजीशन उस संगठन में क्या होगी, इसको निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया जाता है। अतः प्रबंध के स्तर के आधार पर संस्था के प्रत्येक सदस्य को पृथक पृथक रूप से जाना जाता है एवं पहचाना जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो प्रबंध के स्तर के आधार पर उसको पद दिया जाता है, जो भी उसके नाम से ही वह जाना जाता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल, जैसे मार्केटिंग मैनेजर, विपणन प्रबंधक, सुपरवाइजर। उनको कार्यों के आधार पर, जो कार्य उन्हें दिए गए हैं उनके आधार पर उनकी पहचान की जाती है। अब अपन अध्ययन करेंगे, जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, कि अध्ययन की दृष्टि से प्रबंध के स्तर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला टॉप मैनेजमेंट, उच्च प्रबंध, टॉप मैनेजमेंट। दूसरा मिडिल मैनेजमेंट, मध्यम प्रबंध। तीसरा ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, परिचालन प्रबंध। ये तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में निर्धारित होते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इनमें इनकी संख्या अधिक होती है। लेवल्स ये तीन ही होते हैं लेकिन संख्या अधिक होती है, टॉप मैनेजमेंट में, मिडिल मैनेजमेंट में एंड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट में। अब अपन अध्ययन करेंगे एक एक का। सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं टॉप मैनेजमेंट का, उच्च प्रबंध। कंपनी के संदर्भ में संस्था के उच्च प्रबंध को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। कंपनी स्वरूप व्यवसाय में अगर देखा जाए तो टॉप मैनेजमेंट में उच्च प्रबंध को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। इसमें पहला ए लिखा हुआ है आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल। संचालक मंडल में कंपनियों के अंशधारियों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। कंपनी स्वरूप जो व्यवसाय होता है उसमें जो कंपनी के सदस्य होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो संचालक मंडल को चुनते हैं, उनमें वो व्यक्ति होते हैं। ये अंशधारी के विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के संचालन में सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं। संचालक मंडल ही वह संस्था है जो कंपनी के संचालन के लिए अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होती है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टॉक मैनेजमेंट में होता है, कंपनी स्वरूप व्यवसाय में संचालक मंडल अंशधारियों के विश्वास पात्र व्यक्ति माने जाते हैं तथा उन्हें पूर्ण जिम्मेदारी होती है कंपनी के संचालन की। कुंज तथा ओडोनेल ने संचालक मंडल के निम्नलिखित प्रमुख कार्य बताए हैं, उनमें पहला कार्य है संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संस्था के उद्देश्यों को सर्वप्रथम निर्धारित करेगा तथा दूसरा कार्य है संस्था की संपत्तियों के प्रन्यासी या निक्षेपी के रूप में कार्य करते हुए उनकी सुरक्षा करना, यानी कंपनी की जो भी संपत्ति है वो प्रन्यासी के रूप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उनकी सुरक्षा का दायित्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर होता है। तीसरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चुनाव करना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चुनाव करना, योजनाओं से प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करना, जो भी योजनाएं होती हैं उनसे क्या रिजल्ट्स आए उनका मूल्यांकन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, बजट का अनुमोदन करना, कंपनी में जो भी बजट निर्धारित होता है उनकी अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दी जाती है, संस्था को दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यह कार्य या लाइबिलिटी भी होती है कि वह लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड के लिए दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करता है, आय या लाभों का वितरण समय पर करना यह भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्य माना जाता है, अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श कर निर्णय लेना, यानी कंपनी में जो अति महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके संबंध में डिसीजन लेने का कार्य भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। तो ये 5-6 कार्य हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, महत्वपूर्ण कार्य कुंज हैं और डोनेल ने बताए हैं। दूसरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि टॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत शामिल होता है, जैसा कि अपन ने अध्ययन किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही इस व्यक्ति का चुनाव सिलेक्शन किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी संस्था की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है, संस्था की जो पॉलिसी होती है उनको क्रियान्वित करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिम्मेदार माना जाता है। इस हेतु वह नीतियों की व्याख्या करता है, नियम बनाता है तथा उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश प्रसारित करता है। नीतियां लागू कैसे हो उनकी व्याख्या करना, उनके लिए नियम बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश समय समय पर प्रसारित करता रहता है। भारतीय कंपनियों में प्रायः प्रबंध संचालक पूर्णकालिक संचालक नियुक्त करने की परंपरा है, यानी फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति कंपनियों में की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की संस्था की प्रमुख भूमिका होती है, इस हेतु उसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, जिनमें प्रमुख कार्य अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, संचालक मंडल तथा संपूर्ण संगठन के बीच संपर्क बनाए रखना, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पूरी संस्था के अन्य कर्मचारियों के बीच की कड़ी मानी जाता है ताकि वह समय पर सभी के बीच में आपस में संवाद स्थापित कर सके, संस्था के उद्देश्यों को स्पष्ट करना तथा नीतियों की व्याख्या करना। उद्देश्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं लेकिन उनको प्रसारित करने का कार्य चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का माना जाता है तथा जो भी पॉलिसी बनती है उनको स्पष्ट रूप से व्याख्या उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है। आवश्यक आदेश निर्देश प्रसारित करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसीजन लेता है उनके लिए आवश्यक निर्देश एवं आदेश प्रसारित करना चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्य माना जाता है। संपूर्ण संस्था का समन्वय करना, यानी पूरी संस्था में जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का माना जाता है। सभी प्रबंध के स्तरों पर अधिकारों का विकेंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन करना, सेंट्रलाइजेशन एवं डिसेंट्रलाइजेशन आपने अध्ययन किया होगा कि जितने भी प्रबंधक हैं जितने भी प्रबंध के स्तर हैं उनके अधिकारों का डिसेंट्रलाइजेशन चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। कर्मचारियों तथा अधिकारियों की अवप्रेरणा की योजनाएं बनाना, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मोटिवेट किस प्रकार से किया जाए ताकि वो संस्था में
पूर्ण अपनी कार्य कुशलता के साथ कार्य करे। इसके लिए भी जो भी योजनाएं होती हैं उनको तैयार करने का कार्य भी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का माना जाता है। संस्था के कार्यों का सामयिक प्रतिवेदन संचालकों के समक्ष प्रस्तुत करना, संस्था के बाह्य वातावरण का अध्ययन करना तथा उचित कदम उठाना। संस्था के जो बाह्य वातावरण के घटक होते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जो भी घटक होते हैं, उन सब में संचालकों के संबंध में उनका अध्ययन करना तथा समय समय पर उचित कदम उठाना, यह भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्य माना जाता है। कंपनी के सभी मंचों पर प्रतिनिधित्व करना या प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करना। कंपनी के जो भी मंच हैं या जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें या तो स्वयं वह उपस्थित होकर प्रतिनिधित्व करता है या किसी अन्य व्यक्ति को अपॉइंट करके कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कार्य अपन ने अध्ययन किए चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। अब सेकेंड अपन लेते हैं मिडिल मैनेजमेंट, मध्यवर्ती प्रबंध। टॉप मैनेजमेंट के बाद में दूसरा लेवल होता है मिडिल मैनेजमेंट। मध्यवर्ती या मध्य स्तरीय प्रबंध संगठन के ढांचे में वह पद अनुक्रम स्तर है जिसमें मंडल प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, विभागाध्यक्ष या प्रबंधक शामिल किए जाते हैं। उत्पादन प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक, सेवावर्गीय प्रबंधक आदि इस स्तर में आते हैं। इस स्तर में हम संस्था के कार्यालय प्रबंधकों, कार्यशाला प्रबंधकों, मुख्य लेखाकार, क्रय अधिकारियों आदि को भी सम्मिलित करते हैं। अर्थात संक्षेप में ये कह सकते हैं कि मिडिल मैनेजमेंट में वे सभी अधिकारी एवं प्रबंधक सम्मिलित हैं जो परिचालन प्रबंधकों तथा उच्च मध्यवर्गीय प्रबंधकों के बीच कार्यों में समन्वय करने में योगदान करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं वो अपन यहाँ पे अध्ययन करते हैं। कार्यों के संचालन के लिए विस्तृत निर्देश देना, परिचालन कार्यों के संबंध में निर्णय लेना एवं सहयोग करना, विभाग के विभिन्न कार्यों में समन्वय करने में सहयोग करना, शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रयास करना, पर्यवेक्षीय प्रबंध की समस्याओं के निदान में सहयोग करना, पर्यवेक्षीय प्रबंध स्तर पर उत्पन्न विवादों के निपटारे में सहयोग करना, दैनिक परिचालन कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना तथा उनका मूल्यांकन करना, ये सभी कार्य मिडिल मैनेजमेंट के होते हैं। तीसरा अपन लेते हैं ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, परिचालन या पर्यवेक्षीय प्रबंध। इसका दूसरा नाम अपन कह सकते हैं, इसको पर्यवेक्षीय प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत जो कार्य के क्रियान्वयन के स्तर पर विद्यमान होते हैं तथा कर्मचारी से कार्य करवाता है, प्रबंध के इस स्तर में हम कार्यालय, कारखाना के अधीक्षक, मुख्य लिपिक, फोरमैन, विक्रय अधिकारी, लेखा अधिकारी आदि प्रबंधकों को सम्मिलित करते हैं। इस स्तर के प्रबंधक कार्य करने वाले कर्मचारियों का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण एवं नियंत्रण करते हैं, यानी जो कर्मचारी होते हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क ऑपरेटिंग प्रबंधकों का होता है, उनके कार्यों का निरीक्षण एवं नियंत्रण ऑपरेटिंग प्रबंधक करते हैं। ये संस्था के दैनिक कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्था के जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वह ऑपरेटिंग प्रबंधक ही माने जाते हैं। इन्हें प्रायः निम्नलिखित प्रमुख कार्य करने होते हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित उत्पादन या कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना। दूसरा कार्य कर्मचारियों एवं श्रमिकों को कार्यभार सौंपना कि कौन से कर्मचारी या श्रमिक को कौन सा कार्य कितने समय में पूरा करना है, यह ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का कार्य माना जाता है। कर्मचारियों के कार्य के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण समय समय पर देना, अर्थात समय समय पर किन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, यह व्यवस्था भी ऑपरेटिंग मैनेजमेंट द्वारा की जाती है। अपने विभाग के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करना, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा उनकी त्रुटियों में सुधार करना, यानी कर्मचारी रोजमर्रा के जो कार्य करते हैं उनमें क्या कमियां रह गई है, उनका
रोजाना निरीक्षण करना एवं अगर कोई कमी रह गई है तो उनमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो उनमें सुधार ऑपरेटिंग मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। समय समय पर कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और उनमें सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। कर्मचारियों के विवादों का निपटारा करना तथा निपटारा न होने योग्य मामलों को उच्च अधिकारियों को भेजना। रोजमर्रा के कार्यों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण एवं लास्ट कार्य ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का होता है कि जो भी कर्मचारियों में विवाद होता है उनको या तो अपने स्तर पे वह निपटान कर देते हैं या उनके स्तर पे निपटान नहीं होता है विवादों का तो उच्च अधिकारियों के पास वो विवाद प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अपन ने अध्ययन किए, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। धन्यवाद।